हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल निडिल गर्ल। आज के इस वीडियो में मैं लेग ऑफ मटन स्लीव्स की कटिंग करना बताऊंगी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने रिक्वेस्ट किया है, उनके ही डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड में कुछ इस तरीके से बिछा लिया है। वन साइड मेरी तरफ है और खुली हुई साइड आप लोगों की तरफ। सबसे पहले हम लोग नीचे से 2 इंच पर निशान लगाएंगे। ये स्लीव्स के फोल्डिंग के लिए निशान लगा रही हूँ और इन निशान को स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम लोगों को स्लीव्स की लंबाई का निशान लगानी है। याद रखिए, स्लीव्स की लंबाई नीचे से ही आपको लगानी है। ये मैं 13 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इन निशान को भी स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से आपको 5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करनी है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर फिक्स फैब्रिक रखी है। अब इन लाइन के अंदर नॉर्मल स्लीव्स की जैसे हम लोग कटिंग करते हैं वैसे ही हम लोग मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी और इन निशान को स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब कुर्ती की फ्रंट पार्ट को लेकर बराबर से बिछा लेना है। ऊपर से 1/2 इंच छोड़कर कुर्ती की आर्म होल की गोलाई कितनी है ये जानना है। तो हम लोग इंची टेप की मदद से कुछ इस तरीके से को राउंड में घुमाते हुए मेज़र करेंगे। तो ये देखिए, हमारी 7 इंच आ रही है, 7 इंच आ रही है। स्लीव्स की ऊपर वाली लाइन से सेकंड वाली लाइन तक जितनी आपकी आर्म होल है उतना मार्क कर देना है इंची टेप को कुछ इस तरीके से रख कर। तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब आपको स्लीव्स की मोरी का निशान लगानी है। तो मैं यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब स्केल की मदद से इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। पहले मोरी पर मार्जिन लेंगे, उसके बाद ये यहाँ पर मार्जिन लेंगे और इन दोनों लाइन निशानों को भी स्केल से मिला लेंगे। स्टिचिंग के वक्त हम लोग कुछ इस तरीके से कर्वी शेप में स्लाइव लगाएंगे, इससे फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी। अब आर्म होल को हम लोग फिर से मेज़र करेंगे। तो ये 7 इंच आ रही है, 7 इंच को आधा करेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, ये 3.5 इंच आएगी और पहली वाली लाइन पर आपको 3.5 इंच पर मार्क कर देनी है और इन निशान को स्केल से ऊपर तक मिला लेंगे। अब आपको नीचे में नॉर्मल स्लीव्स की जैसी शेप देते हैं वैसे शेप देंगे और फिर ऊपर वाली से लाकर नीचे में मिलाएंगे। देखिए, इस तरीके से आपको ऊपर से आते हुए नीचे में मिला देना है और फिर यूं घुमा देना है। मैं डार्क कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। ये देखिए, नॉर्मल स्लीव्स में हम लोगों को 1/2 इंच अंदर लेनी होती है इस तरीके से, लेकिन इस वाले स्लीव्स में आपको कुछ भी अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो ड्रॉ की हुई है इसी पर हम लोग कटिंग करेंगे। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। देखिए, स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम लोग छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो यहाँ पर एक कट्स लगाएंगे हम लोग और एक लेंथ के पॉइंट पर कट्स लगाएंगे। अब मैं इसे खोलकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। अब हम लोग इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए आपको पहले इसको खोल लेना है। और यहाँ से आपको बिल्कुल सेंटर से इस तरीके से छोटी छोटी चुन्नटें लगानी है। पहले एक तरफ की हम लोग चुन्नटें लगाएंगे और इसे पिन से फिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। इसी तरीके से मैं बाकी भी चुन्नटें लगा लूँगी।
ये देखिए छोटी छोटी चुन्नट लगानी है आपको, और सारे एक साइड ही होना चाहिए, इस बात पर ध्यान रखें। तो ये देखिए हमारी पफ रेडी हो रहे हैं। यहाँ से हम लोग बाकी चुन्नट लगा लेंगे। ठीक, आपको इसकी ऑपोजिट साइड से लगानी है। अगर आप वो वाली चुन्नट राइट से लगा रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड से लगानी है। ये देखिए हम लोगों की दोनों तरफ चुन्नटें लग चुकी है। अब इसे हम लोग एक बार मेज़र करेंगे। यहाँ से आपको मेज़र करना है इस तरीके से, देखिए इस कट्स तक। तो ये देखिए ये मेरी बिल्कुल ठीक आई है 7 इंच। अगर आपकी कम या ज़्यादा आती है तो आप चुन्नट खोल कर या फिर चुन्नट और ज़्यादा लगा कर इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। पहले हम लोग इसकी कच्ची सिलाई लगाएंगे। मैं मशीन पर आ गई हूँ, बस अब यहाँ से हम लोग कच्ची सिलाई लगाएंगे। आपको एक एक करके पिन निकाल लेना है और स्टिच करनी है। अब हम लोग इसे खोल कर नीचे से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। किनारे से भी आपको सिलाई लगा लेनी। अब इसे हम लोग पलट लेंगे और इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से कर्वी शेप देते हुए, जैसे मैं पहले बताई थी आप लोगों को, इस तरीके से आप अपनी हर बाजू पे थोड़ी सी कर्व में शेप दे सकते हैं। इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है, फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। इसे डबल सिलाई लगा लेंगे। अब कुर्ती को लेंगे और स्लीव्स को सीधा करने के बाद इस तरीके से कुर्ती के अंदर डालेंगे। याद रखें स्लीव सीधी होनी चाहिए और कुर्ती उल्टी साइड से अंदर की तरफ डालेंगे। और ये देखिए ये जो स्लीव्स के सेंटर पॉइंट है और शोल्डर की जो जॉइंट है कुर्ती में, इन दोनों को मिला लेंगे पहले इस तरीके से और इसे पिन से फिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपकी स्लीव्स की फिनिशिंग बाहर से बहुत अच्छी दिखेगी। अब नीचे से मिलाएंगे इस तरीके से, देखिए। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे बैक साइड की तरफ घुमा देंगे और अंदर वाली जो स्लीव्स की एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी बैक की साइड घुमा देंगे। और इस तरीके से आपको नापना है। अगर ये छोटी बड़ी होगी तो ये दोनों बराबर से नहीं मिलेंगी, तब आप समझ लेना स्लीव्स आपकी छोटी है या फिर आर्म होल आपकी छोटी हो गई है, तो आप इसे फिर खोलकर एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से सिलाई लगाएंगे। आप लोग देख सकते हैं दोनों स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब मैं इसे पहन के आपको दिखाती हूँ ये कैसे दिख रही है। तो पहनने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरीके से आती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।